नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। इसीलिए जीतने की कोशिश और जज्बा इंसान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भले ही आपके रास्ते में कई अड़चनें क्यों ना आए, लेकिन एक बात तो तय होती है कि जीत पक्की होती है। परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानने वाले ही अक्सर इतिहास रच देते हैं। ऐसा ही कमाल अब बिहार के लाल ने किया है, जिसने अपने बहरेपन को अपने लक्ष्य की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया और देश के नाम एक गोल्ड मेडल लाने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में तिरंगा फहराया है। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ऋतिक ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा लहराया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में भी पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। इस मैच में ब्राजील, चीन, टर्की, फ्रांस को हराने के बाद फाइनल मैच में जापान को हराकर ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या खूब लिखा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है वैशाली के ऋतिक ने। महज 18 साल के ऋतिक आनंद का चयन कुछ समय पहले ही डेफ ओलंपिक में किया गया था। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में कई राज्यों के बैडमिंटन खिलाड़ियों का इसमें ट्रायल हुआ, जिसमें ऋतिक आनंद का चयन हुआ। ऋतिक भले ही बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। 1 मई 2022 से 15 मई 2022 तक ब्राजील में बैडमिंटन का डेफ ओलंपिक हो रहा है, जिसमें ऋतिक आनंद को भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला था। ऋतिक आनंद का खेल सफर इतना सुनहरा है कि उसने ब्राजील से गोल्ड मेडल लाने की संभावना बेहद प्रबल पहले ही मानी जा रही थी। ऋतिक इससे पहले ताइपे में हुए डेफ के वर्ल्ड कप में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, साथ ही अपने सेगमेंट के तीनों प्रारूप में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वहीं अब देश के लिए गोल्ड जीतने के बाद परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऋतिक के सफर के शुरू होने से पहले ही ऋतिक के पिता उदय कुमार ने कहा था कि ऋतिक के चयन से काफी उत्साह का माहौल है। उसके गोल्ड मेडल जीतने की पूरी संभावना थी, जिसके लिए वो दिल्ली में रहकर लगातार मेहनत कर रहा था। वहीं ऋतिक के गुरु और नेशनल प्लेयर संतोष कुमार की माने तो ऋतिक का फिटनेस लेवल बहुत बढ़िया है। वो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल लाने के लिए तैयार था और गोल्ड मेडल अब देश के लिए ला भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ बेहद कम संसाधन में वैशाली जिले के खिलाड़ी बैडमिंटन के खेल में लगातार अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर छोटे शहरों में भी खेल को प्रोत्साहन देने की व्यापक व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी और भी देश के छोटे छोटे शहरों से निकलकर सामने आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेफ ओलंपिक्स हर 4 साल में आयोजित की जाती है और ओलंपिक के बाद इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला बहु खेल आयोजन है। 1924 में पेरिस में पहला खेल आयोजित किया गया था। ये विकलांग एथलीटों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन था। इसके साथ ही आप ऋतिक के इस जीत पर क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।